अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, किस बात की देरी, हमारे वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा चीला अच्छे से पक चुका है। अब दूसरी तरफ भी अच्छे से कुक कर लेंगे। इसे ज़्यादातर डोसा बोलते हैं, हमारे यहाँ चीला बोलते हैं। ज़्यादातर डोसा के नाम से जानते हैं सब लोग, और अपने अपने लैंग्वेज में इसे बुलाते हैं कुछ अलग से। हमारे यहाँ इसे चीला बुलाते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बुलाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको घर पर सबको नाश्ता बना के दे दिया है। मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। बड़े मज़े के बने हैं। हमारे यहाँ तो वीक में 2 से 3 बार बनेंगे। आपके यहाँ कितने बार बनेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बदमाशियाँ दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अदा क्या करती है? अदा कई के ऊपर चढ़ी? अदो कई के ऊपर चढ़ी? उतर, नीचे उतरना, जल्दी से उतरना, उतरना जल्दी। देखिए उतर गई। अदू अदू अदू, क्या नाराज हो गई? अदू नाराज हो गई? अदू नाराज़ हो क्या कि यहाँ पर बैठ गई है? मैंने इसे चिल्लाया इसीलिए। अदू अभी थोड़ी देर तक इस तरह बैठे रहेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे घर में। देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते लंच टाइम भी हो गया है। लंच में मैंने बनाया है प्रॉन्स करी। लंच में आज मैंने झींगे का सालन पकाया है, और उसके साथ थोड़ा सा सैलड लिया है और चावल। तो चलिए, खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए कितना खूबसूरत है। घर में थोड़ा सामान चाहिए था, शॉपिंग करने पे जा रही थी। बस एक खूबसूरत नज़ारा दिखा था, छोटा सा एक क्लिप लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये श्री चैतन्या जूनियर कॉलेज है। अब हम जिस रोड पे जा रहे हैं उसे सौ कदम रोड बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है कामिनी हॉस्पिटल, जिसके कितना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत है। आप बस व्यू एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। मैं आके फिर से मिलती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे विल्ला सेम एक ही जैसे है। इन सब का कंस्ट्रक्शन एक जैसा हो रहा है, सब सेम है यहाँ पर। ये यहाँ पर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बोल रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी दिख रही है। मुझे नहीं मालूम है क्या है, शायद होटल होगा।
माशाल्लाह से मौसम बड़ा प्यारा है आज। अब हम हैं एनके पारू सेंटर में। एनके पारू सेंटर बोलते हैं। ये एनके पारू सेंटर है जिसके बारिश भी शुरू हो गया है। कितना तेजी से पड़ रहा है, कितने बड़े बड़े से। हमें इस तरफ फ्लिपकार्ट पे जाना है। हम फ्लिपकार्ट पे आ गए ट्रेन से, देखिए कितना ज़ोरों से बारिश गिर रहा है। हम तो पूरी तरह से भीग गए हैं, देखिए कितना तेज़ी से पड़ रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हम हैं फ्लिपकार्ट होलसेल के अंदर। यहाँ पर ज़्यादा शूटिंग अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने छोटे से क्लिप्स लगाया है। हम यहाँ से सामान ले लिया है। बारिश के वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है फ्रेंड्स। यहाँ से शॉपिंग ख़त्म करके हम सीधा घर चल गए थे। देखिए यहाँ पर घर के सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। उधर से आने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स का चिक्की बनाया है मेरे हस्बैंड के लिए। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कैसे बनाना है। मैंने यहाँ काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और पम्पकिन सीड्स लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसे हम भूनना है। दूसरे पैन पर मैंने गुड़ और थोड़ा सा पानी डाला है चाशनी बनाने के लिए। देखिए हमारे गुड़ को अच्छे से पकाना है। हमारा चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें डालना है ड्राई फ्रूट्स, इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे हम बटर पेपर पर डाल के इस तरह से रोल करके पीसेस में कट कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स पैकिंग शुरू करते हैं। मैंने मेरे हस्बैंड के लिए एक गिफ्ट लिया है। जिस पर्सन ने भी एक गेस्ट किया है कमेंट कीजिए इसके अंदर क्या है, मैं उनको एक दूंगी। ये क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताना। जिसने भी पहले कमेंट किया है मैं उनको ज़रूर गिफ्ट करूँगी। चलिए अपना पैकिंग शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट का एक बॉक्स लिया है कार्टून, इसमें पैक करेंगे सारा सामान। सबसे पहले हम गिफ्ट रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कार्टून छोटा हो गया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने सोचा इसके अंदर आ जाएगा पर ये फिट नहीं हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स मुझे एक कार्टून मिला है एरियल का, अब इसमें ही डालना है हमें। आई थिंक सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स। ये तो आ गया है गिफ्ट, मंदिर रखेंगे। अब इसके अंदर रखेंगे हम गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ भेज रही हूँ यहाँ पर सेट कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने कबाब भी बनाया है घर पर ये, और अंदर से भी लिया है, ये भी पैक करना है। उनके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनाया है घर पर, वो भी इसके अंदर रखेंगे। ये मैंने झींगों को भी लिया है, सूखे झींगे मेरे हस्बैंड को पसंद है। तुरई में डाल के खाने से बड़ा मज़ा आता है ये, परसों में से बात बात में बोले थे बहुत दिन हुआ बोल के, तो ये भी ली थी उनके लिए मैं। ये भी अच्छे से साफ करके रख लिया है, उनको मेहनत ना करना पड़े इसलिए। उनके लिए मैंने प्रोटीन पाउडर भी बनाया है, ये भी इसके अंदर रखेंगे। सारा सामान सेट करके इसके अंदर मैं आके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा बहुत सामान और एक्स्ट्रा ऐड किया है इसके अंदर, सारे इसके अंदर आ गए हैं। अब इसे अच्छे से पैक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा सामान इस कार्टून में डाल दिया है, आप सुबह में लेके जाके देना है। अम्मी ने अभी ला के छाँच भी दिया है, ये भी फिनिश करना है। टाइम भी 12 बज रहे हैं। हमारी अंदर रूम के बाहर इंतज़ार करती है रूम में जाके सोने के लिए। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जजाकल्लाह खैर।